अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि व्हाट इज एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेन इन फेसबुक एड्स। जैसे आप लोगों को पता है कि ये न्यू फीचर रोल आउट हुआ है लास्ट ईयर, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा और ये है फीचर है क्या चीज़ और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें चेंजेस हैं, ये एक जो कस्टम जो हमारे कंपेन है उससे क्या इसमें डिफरेंस क्या है एक्चुअली, तो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, जैसे आप लोगों को पता है कि फेसबुक ने एक न्यू फीचर रोल आउट किया है जिसको हम कहते हैं एडवांटेज पर शॉपिंग। अच्छा, ये लास्ट ईयर 15 अगस्त को रोल आउट हुआ था और ये मोस्टली इंटरनेशनल जो अकाउंट्स है उसमें ये के अलाउ हुआ था, अवेलेबल था। अभी भी कुछ अकाउंट्स में, मतलब मोस्ट ऑफ द अकाउंट्स में अवेलेबल नहीं है। अभी भी एक होता है ना कि एक जनरल जिस तरह एक होती है कि हर अकाउंट्स में अवेलेबल अभी तक नहीं हुई, कुछ अकाउंट्स में है कुछ में नहीं है। जो न्यू अकाउंट्स है उसमें किसी में है किसी में नहीं है, जो पुराने हैं उसमें आप लोगों को मतलब ये जो आप कर रहे हैं फेसबुक उनसे ये कि इनेबल करवानी, तो ये है कि अभी बिल्कुल जनरलाइज नहीं हुआ। बट जिनके अकाउंट में इनेबल हो चुकी है या अलाउ हो चुकी है तो वो बहुत ही ज़्यादा लकी है क्योंकि ये फीचर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं आप लोगों को कंपेन क्रिएट करना भी सिखाऊंगा और इसके बारे में और भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये एक तरह से इंट्रो वीडियो है, इसके बारे में बताऊंगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं और आगे इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं डिटेल में जाऊँगा। अच्छा, अगर हम लोग एक नॉर्मल कंपेन की बात करें, अच्छा उसमें क्या होता था कि तीन लेवल्स हैं जैसे नॉर्मल कंपेन में, कि पहले कंपेन होती थी वहाँ पे आप बजट वगैरह का सी बी ओ रन करने का बजट वगैरह देते थे, नेमिंग कन्वर्शन, उसके बाद फिर आप एडसेट लेवल पाते थे जहाँ पे आप जो पिक्सल है वो चूज करते थे, टारगेटिंग वगैरह चूज करते थे, अगर आप कस्टम मॉडल लोकल एक्स वगैरह या फिर जो भी लोकेशन है एज वाइज, उसके बाद जो प्लेसमेंट वगैरह है वो देखते थे, ठीक है। अगर आपको मेनू प्लेसमेंट में जानी है तो ऐसे लेवल हम लोग ये सारी चीज़ देख रहे होते थे। फिर एड लेवल पर जाते थे जहाँ पे हम एड कॉपीज वगैरह लिख रहे होते थे, ठीक है। और ये कि मल्टीपल क्रिएटर्स कैरोसेल और डिफरेंट हम लोग जो क्रिएटिव हम लोग ऐड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं इस तरह के क्वालिटी जो कंटेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये साइज हम लोग कर रहे होते थे और मतलब तीन डिफरेंट लेवल है, कंपेयर एड और ऐड। अच्छा, फिर अब इस जो न्यू फीचर है इसमें क्या चेंज है, वो ये है कि फेसबुक ने तीनों को क्लब कर दिया। मतलब ये है कि एक ही सिंगल पेज होगा, उसके अंदर वो कंपेन भी है, एसेट भी है और ऐड भी है। उसी में आपको सपोर्ट जो टारगेटिंग है वो भी होगी, उसी के अंदर आपको मल्टीपल क्रिएटर्स भी जो ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है कि फेसबुक बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया और मैं समझता हूँ कि ये जो हैक्टिक है टारगेटिंग की, जो हम लोग जो हमारे पाकिस्तानी आवाम लोग उसका मतलब जो होता है ना कि टारगेटिंग के होता है ना जुनून है कि बस अच्छी टारगेटिंग करनी, तो उसका जो है वो सारा ख़त्म हो जाएगा, जो भी टारगेटिंग उनका है जुनून मैं समझता हूँ, तो वो सारा एक तरह से ख़त्म हो गया। इस फीचर ने ख़त्म कर दिया और इस फीचर ने प्रूफ भी कर दिया है कि टारगेटिंग डजंट मैटर, योर क्रिएटिव मैटर्स, ठीक है। तो ये है कि इसमें क्या किया कि सबको क्लब कर दिया आपको, मतलब एक ही पेज होगा, वन पेज, मैं अगर एक सिंपल अल्फाज में कहूँ कि एक पेज कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके अंदर जो टारगेटिंग है वो बिल्कुल ओपन होगी, आपको जस्ट लोकेशन आपको मतलब ये चूज करनी पड़ेगी कि आपको कौन सी लोकेशन है, से किसी अगर सिंध करना है, पंजाब करना है, ओवरऑल पाकिस्तान करना है, वो जस्ट चूज करनी है, ठीक है। जो टारगेटिंग है ओपन वगैरह वो ओपन ही रहेगी, उसके अंदर कोई इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होगा, सारे जो चीज़ें हैं वो फेसबुक खुद ही ढूंढेगा, जो फेसबुक का एआई होगा, ठीक है। और जो प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ खुद फेसबुक ही देखेगा। अच्छा, जो जो क्रिएटिव है वो आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियोस में मैं सब कुछ कमेंट सेक्शन बताऊंगा तो उसी में मैं बताऊंगा कि क्या क्या जो हम क्रिएटिव कितना ऐड कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बट ये है कि इसमें आप लोगों को एक क्लब कर दिया, जो टारगेटिंग है वो फेसबुक यानी जिम्मेदारी ले ली कि भाई हम खुद ही देखेंगे टारगेटिंग, आपको जो फोकस करना है वो क्रिएटिव पे करना है, ठीक है। इससे भी हमें एक इंडिकेशन मिलती है, ठीक है, कि हम टारगेटिंग पे कम फोकस करें और क्रिएटिव पे ज़्यादा करें, क्योंकि वजह यह है कि जो क्रिएटिव है ना वो ही आपको मैसेज करने लगते हैं। लोग जब आपका ऐड देखते हैं तो उसी में आप प्रोडक्ट का मैसेजिंग वगैरह डिलीवर करते हैं और वहीं से कन्वर्जन होती है, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न वाई वी नीड टू फोकस ऑन द क्रिएटिव रादर देन ऑन द टारगेटिंग स्टफ, ऑन द ऑडियंस स्टफ,
तो फेसबुक ने ये इसमें न्यू फीचर यही किया है, सबको क्लब कर दिया है और जो टारगेटिंग है वो बिल्कुल ओपन रख दिया है। एआई इसका एआई खुद डिसाइड करेगा किसको टारगेट करना है किसको नहीं करना। और एक साथ चीज और बहुत ही ज्यादा, मतलब विद इन आई थिंक 5 मिनट मैक्सिमम लगेंगे एक कंपेन को सेटअप करने के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा इजी कर दिया है, आपको कोई मतलब एक टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं अबाउट टारगेटिंग स्टफ। ठीक है कि प्लेसमेंट कौन सी रखनी है सब कुछ फेसबुक खुद ही देखेगा। तो ये एक ये बहुत ही ज्यादा एक होता है कि सब सारी चीजें क्लब कर दी है, राधा धन के पहले अलग अलग होती थी, अब एक ही कंपेन एक ही सब कुछ एक ही आपका जो है एक ही वन पेज कंपेन हो गया है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं होगा। तो ये था एडवांटेज पर शॉपिंग कंपेन। तो यहाँ पे मैं वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर करें मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करेगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।